अमित शाह जी देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपने अमित शाह जी का बयान देखा होगा है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांतता है, सब कुछ कंट्रोल में है, ये गृह मंत्री का बयान है, ये डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है 10 साल से, खास करके 370 कलम हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, ये सच है। कितने जवान शहीद हो गए उस बारे में जरा आप हमें जानकारी दीजिए 10 साल में, या आप 370 कलम हटाने के बाद सबसे ज़्यादा जवान शहीद हो गए हैं इस सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर। कल का हमला भी बहुत ही खतरनाक है, दुखद है। हमारे जवान शहीद हो गए, उसमें से एक जवान महाराष्ट्र के अकोले से है। पुलवामा में हमला हुआ, उसके पीछे क्या साजिश थी अब तक बाहर नहीं आई है, और तब से हमले निरंतर जारी है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री की है, और देश के रक्षा मंत्री की है। लेकिन जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये दो राज्य ऐसे हैं कि ये लोग मानते हैं कि ये भारत का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी जी कल मणिपुर में गए, आपने देखा होगा क्या हालत है मणिपुर। जम्मू कश्मीर की हालत भी उससे बेहतर नहीं है, बहुत ही खराब है। आए दिन लोगों की हत्या होती है, जवानों का बलिदान होता है, फिर आप उनको मेडल्स, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं। ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आप उनका उत्सव मत मनाइए। राष्ट्रपति भवन में आपने देखा होगा एक यंग लड़की स्मृति, कितनी यंग है, उनका पति शहीद हो गया, तो आपको क्या लगता है उनके दिल में, उसके माँ के दिल में क्या तूफान होगा उस वक्त? ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं हो। सर, वही बात करते हैं, प्रधानमंत्री इस समय विदेश यात्रा पे, पुतिन उनका स्वागत करते हैं। पुतिन कहते हैं कि मोदी ने अपनी पूरी जीवन जो है लोगों की मदद के लिए निशान कर दिया। बात ऐसी है, उनके दौरे के कुछ दिनों तो प्रधानमंत्री इस समय दौरे पे, प्रधानमंत्री तो देश के बाहर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देश में जो समस्या है उनसे वो रूबरू नहीं होना चाहते, देश की समस्या को वो निवारण नहीं करना चाहते या झेल भी नहीं सकते लोगों का प्रेशर, तो बाहर रहना, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक मनाएंगे और मजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो पुतिन जो बोलते हैं, कल और कोई प्रधानमंत्री होता मोदी जी के जगह पे तो पुतिन यही बोलता, पुतिन और कोई बात नहीं करते। जो पुतिन साहब लोकतंत्र को मानते नहीं है, वहाँ का पूरा विपक्ष खत्म कर दिया, एक तो जेल में है या उनको मार दिया, हत्या कर दी, अब वो पुतिन जी मोदी जी की वाह करेंगे तो उसमें क्या बड़ी बात। सर, मुंबई में हिडन हिडन मामले में लगभग 24 घंटे भी नहीं बीते और आरोपी के पिता को बेल मिल जाती है, आरोपी अभी फरार है, इस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते? आरोपी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री, उनका बहुत करीबी आदमी है, ये सबको पता है। एक जमाने में उनका बिजनेस पार्टनर हुआ करता था मेरे हिसाब से, थाने डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए काम करता था, तो और क्या हो सकता है? कानून कहाँ है? न कानून जम्मू कश्मीर में है, न कानून मणिपुर में है, न कानून यूपी में है, न कानून महाराष्ट्र में है। तो यही होगा, जब तक ये सरकार चलेगी तब तक इस तरह से हिट एंड रन होता होगा और जो आरोपी है वो 24 घंटे में बाहर आ जाएगा।